आइए नाज़रीन, आज हम आपको मुर्ग मुसल्लम स्पाइसी रोस्ट बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने वेजिटेबल्स के साथ तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 1 टीस्पून फुल सॉल्ट, 1 टीस्पून फुल चिलीज़ और 1 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स लिए हैं, यानी कि नमक, मिर्च और ज़ीरा। फिर हमने 3 क्लोव्स गार्लिक के लिए हैं, लहसुन, थोड़ा सा हमने अदरक लिया है, 3 सीड्स हमने टमरिंड के लिए हैं, इमली के, हाफ हमने नटमैग लिया है जिसको हमने तोड़ लिया है, 4 to 5 हमने क्लोव्स ली हैं यानी कि लौंग, 1 बड़ी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम, 1 इंच की हमने सिनेमन ली होगी यानी कि दारचीनी, और 1/2 टीस्पून हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है। इसके बाद हमने जिंजर और गार्लिक ग्राइंडर में डालना है, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून फुल जो है वो दही का डाल रखा है। इस दही में ये पिस जाएंगे, इनको हमने बारीक पीस लेना है और पीस कर हमने इनको एक बोल में निकाल लेना है। अब हमने इसमें योगर्ट ऐड कर देना है, सालन वाले चम्मच जो हैं वो हमने 3 इसमें ऐड किए होंगे ग्रीक स्टाइल योगर्ट के। जो भी दही आप इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब तमाम मसाला जात जो थे वो हमने इसमें ऐड कर लेने हैं और इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा फूड कलर भी आप इसमें डाल लें तो यह है कि ये ज़्यादा खूबसूरत निकलेगा। ये बुश का फूड कलर है, इंडियन स्टोर से मिल जाता है, स्क्वेयर सी डिबिया होती है और सबसे अच्छे फूड कलर्स जो हैं वो इस ब्रांड के हैं आज के दौर में। तो मिला लिया है। अब हमने एक बहुत बड़ी सारी चिकन ली है, कोई 1.5-2 किलो की तो ये होगी ही। खैर, इसकी हमने स्किन उतार लेनी है और आपने देखा कि हमने इसकी ड्रम स्टिक्स पे से जब स्किन उतारी है, अगर आप उस स्टेज पर आकर उसको पेपर टॉल से खींच लें तो वो आसानी से उतर जाती है। अब हमने आपने देखा कि किस तरह पर इस सारी चिकन में कट लगा लेने हैं और इसको फिर हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें अच्छी तरह से सोक कर देना है। उसके जो कट लगे हुए हैं उसमें भी मसाला लगा लें। बेहतर है कि आप इसे ओवरनाइट रखें, इसको क्लिंग रैप लगा के फ्रिज में रख दें या 4-6 घंटे तो ज़रूर ही रखें। उससे यह है कि मसाला फिर अंदर तक बहुत अच्छी तरह से रच जाता है, खुशबूदार चिकन बनती है। अब हमने दूसरी तरफ वेजिटेबल्स तैयार करनी है। बेबी कैरेट ले रखी हैं, उनको पील कर लिया है, बड़े बड़े टुकड़े उसके काट लिए हैं। फिर हमने बटरनट लिया है, पम्पकिन लेना हो पम्पकिन ले लें, हमारे घर में बटरनट मौजूद था हमने वही ले लिया, उसमें से सीड निकाले हैं और उसको इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। तो आप अगर पम्पकिन लें तो उसका भी छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो बल्कि ज़्यादा मज़ेदार बनता है पम्पकिन। अब हमने पोटैटोज़ लिए हैं, उनको हमने छील लिया है, छील कर हमने उनको धोकर आधा आधा कर लेना है, तो सब कुछ बड़ा बड़ा सा ही काटना है। 1/2 टीस्पून फुल हमने इसमें सॉल्ट का डाला है और इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिला लेना है कि सब पर इवनली लग जाए। 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ली हैं, बड़ी बड़ी क्लोव्स हैं, इनको हमने हाथ से क्रश कर लेना है और इसको भी हमने फिर इन वेजिटेबल्स में डाल देना है। बटर लिया है, कोई 1/3 कप होगा बटर का, उसको हमने ज़रा सा मेल्ट किया है और उसको भी इन वेजिटेबल्स पे डाल के इसको अच्छी तरह से शेक कर देना है और एक ओवन ट्रे में डालकर इसको हमने अब बेकिंग के लिए रख देना है। तो ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं 180 डिग्री पे समझें आप रख छोड़ें कोई आधा घंटा और उसमें ये बेक हो जाएंगी। देख लें जब भी वेजिटेबल हों, कोई ऐसा टाइम और टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। अब हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है कोई 1/3 कप वो एक पैन में डाला है, कढ़ाही नुमा वॉक लिया है हमने और उसमें हमने ये चिकन डाल दी है, सारा जो दही बचा है वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है और फिर इसको अच्छी तरह से एक तरफ से पकने दिया है। जब देखें कि ये पकने लगी है उस वक्त आप इसको मोड़ दें, जैसे कि हमने मोड़ा है तो ड्रम स्टिक तो ठंडी ही होगी, तो पलटने के बाद आपने इसको फुली कवर कर देना है। मीडियम हीट पर आपने इसको रख छोड़ना है, ये अपना ही पानी रिलीज करेगी और उसी में पक जाएगी। अब आप देखेंगे कि इसमें बबल बनेंगे, उससे यह है कि ये ऊपर तक इसका पानी आएगा, काफ़ी ऊपर तक, और ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अगर हाफ वे भी पानी आता है तो आप समझ लें कि एक तरफ से पलटने से ये आधी नीचे का हिस्सा पक जाएगा और आधा जो है बाकी का वो ऊपर का हिस्सा पानी जो है वो पका देगा। तो इसको 1-2 बार आपको पलटना पड़ेगा, खोल कर देखते रहें, बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएगी। देखें कि ये नीचे ना लग जाए, इसको जिस पैन में बनाएं वो पैन मोटी बेस का हो, उससे ये है कि ये फिर चिपकती नहीं है, जलती नहीं है। तो मोस्टली ढक के ही पकाना है। जब आप देखें कि इसके जूसेस कम रह रहे हैं उस वक्त आप किसी भी लेडल से या किसी भी चीज़ से इसका जूस जो है वो इसके ऊपर भी डालते रहें, उससे यह है कि ये ड्राई नहीं होगी, और फिर इसको ढक दें यहाँ तक कि इसका ऑयल थोड़ा सा अलग दिखाई देने लगे। अब ये वेजिटेबल्स जो हैं ये आप देखें कि गल चुकी हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ओवन में हमने रखी हुई थी, इतना हमने ध्यान नहीं किया कि कितनी देर के लिए रखी हैं। बहरहाल 180 पे हमने इसको
मिडिल वाले रैक पर रख छोड़ा था। और आप देखें कि इसका ऑयल जो है वो अब चिकन का अलग होने लगा है, लाल लाल सा मसाला दिखाई देने लगा है। अब इसकी लेग्स जो हैं उनको हमने टाई किया है, एक स्ट्रिंग से कोई भी स्ट्रिंग ले लें, और फिर ये जो सारा मसाला है ये हमने इस चिकन के ऊपर डाल देना है। तो बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़ेदार ये जो रोस्ट है ये तैयार होता है। अब हमने इसके ऊपर सेसमी सीड डाल देने हैं, यानी कि तिल, थोड़े से खूबसूरती के लिए। तो 190 डिग्री पे हमने इसको 10 मिनट्स के लिए बेक करना है। उससे यह है कि ये बहुत अच्छी तरह से लाल हो जाएगी। तो ये देखिए अब हमारा टाइम जो है ये पूरा होता है। खोलकर आपको दिखाई देते हैं, बच्चों ने ही बनाई है, बच्चों ने ही फिल्म की है, तो उनको खाने की शायद बहुत ही जल्दी थी कि उन्होंने एंड में बहुत ही छोटा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया है जबकि ये तैयार हुई है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आई और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।